इसको मैं जायसवाल साहब, ये आरोप विपक्ष की तरफ से और खासतौर पर लालू यादव के परिवार की तरफ से ये प्रताड़ित किया जा रहा है, सामने चुनाव है इसीलिए। लालू यादव जी को यह बताना चाहिए कि उन्होंने 4 लाख रुपए में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में मकान लिखवाया कि नहीं, इस पर तो तेजस्वी यादव एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। उनके पिताजी ने जमीनें गरीबों से लेकर नौकरी दी है कि नहीं, इस पर तेजस्वी यादव को बयान देना चाहिए। रेलवे के जो होटल की जमीनें हैं उसके एवज में जो बिहार का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बन रहा था, आजकल वहां पे मछलियां तैर रही हैं, वह सही है या गलत है यह बताना चाहिए। 3 बार उनके पिताजी को जेल जाना पड़ा, 1 बार देवगौड़ा के समय में और 2 बार मनमोहन सिंह के समय में, तो वो जेल जो गए हैं वह सही है कि नहीं यह बताना चाहिए। खुद ललन सिंह जी ने कहा था कि 2008 में मनमोहन सिंह ने लीपापोती किया, और अगर लीपापोती नहीं करते तो लालू परिवार कब का जेल में होता। आज ललन सिंह को बताना चाहिए कि भाई उनका जो कागज मनमोहन सिंह को दिया था वह सही है कि नहीं। जब अपराध के मजे आप लूट रहे हैं तो अपराध का सजा भी आपको ही। बस इतना ही है सवार के पिछले जो असेसमेंट थे तेजस्वी यादव कहते हैं उसका क्या हुआ, फिर नए नए असेसमेंट जोड़ना है। अपना प्रोसेस है, ईडी का प्रोसेस है, वो ज्यादा बेहतर जानते हैं ना, यह तो उनमें और जांच एजेंसियों के बीच की बात है। लेकिन तो सच है ना कि उन्होंने जमीनें लिखवाई हैं, जमीनें गिफ्ट लिया, दुनिया में एक कर्ण फेमस थे जिनको दान देने में, और एक लालू परिवार फेमस है दान लेने में, चाहे वह रघुनाथ झा जैसे पावरफुल मंत्री हो, चाहे वह कांति देवी जैसी कैबिनेट मिनिस्टर हो, और चाहे उनके घर का गाय का दूहने वाला हो गोपालगंज में, जो आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना में रहता है, लेकिन 70 लाख की जमीन वो जरूर डोनेट कर देता है जिसको ये 4 करोड़ में बेच लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।